गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर 4, एक्सरसाइज 4.3. इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रोडक्ट. हमें इसमें क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है. प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? जो हम टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमें आंसर मिलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर ए, 5 1 टेबल आती है हमें, 5 1 5, बट इसको रीड कैसे करेंगे हम? 5 1s are 5 5 4s 5 4s कितने होते हैं? 20. 2 2s 2 2s are 4. अब ये ब्लैंक पड़ा है तो या तो हम इसे ब्लैंक रहने देते, नहीं तो वी कैन राइट 0. 5 0s are 5 0s are 0. मैंने आपको बताया था ना, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर विल बी 0. इन द सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2 and 5. हमें क्या करना है? 2 and 5 की टेबल करनी है. यहाँ पे 1 क्वेश्चन मैंने 2 का ले लिया है और जो 5 वाला है वो आपको खुद से करना है. ओके बच्चों, जो आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है. एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे करना है इसको. 2 की टेबल आती है सबको. 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 2 6 are 12 2 7s are 14 2 8s are 16 2 9s are 18 2 10s are 20. सिमिलर हमें क्या करना है? 5 की भी कंप्लीट करनी है. तो आप कर पाओगे? यस, इट्स वेरी इजी. और यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कौन करेगा सॉल्व? आपको खुद से करना है. और मुझे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में वापस फोटो सेंड करना. कुछ बच्चों की तो फोटोज आ गई है, बट कुछ बच्चों की जिनकी नहीं आई है वो अपना वर्क कंप्लीट करें और मुझे फोटो सेंड करें. ओके बच्चों, बाय, थैंक यू.